रेडियो ऐसा है कि और आप बड़े नेता हैं। सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि पार्टी के इंटरनल इश्यू पे मैं कभी भी मीडिया से कोई बात नहीं करता, पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं करूंगा, आगे भी नहीं करूंगा। लेकिन इसलिए इस विषय पे मुझे कुछ नहीं बोलना है क्योंकि मैं पार्टी के मुख्यालय में पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पे बैठा हूँ और पार्टी के किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुझे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास हमारे सीनियर लीडर है, राहुल गांधी जी है, प्रियंका जी है, सोनिया जी है, पूरा एआईसीसी लीडरशिप है, उसको फैसला करना है सही क्या है गलत क्या। फिलहाल शिल्पा शिंदे कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर रही है और उससे कुछ सवाल पूछा ताकि कांग्रेस की ताकत बढ़े और कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आए और जो कुछ गलत हो रहा है उसको दुरुस्त किया जाए। मुंबई में लोकसभा की 6 सीटें हैं, आप कौन सी सीट को अपना पसंदीदा सीट चाहेंगे अगर आपको लड़ने का मौका मिले? क्या आप जिस क्षेत्र में रह रही हैं वलाड में वहाँ भी अभी इस मामले पे आई थिंक बहुत जल्दी होगा बताना, अभी तो ये शुरुआत है लेकिन लड़ूंगी जरूर। महात्मा गांधी पासून देश ला आजादी कांग्रेस मिळून दिली आहे, तर त्यामुळे मला असं वाटतं आणि आता इलेक्शन होणार आहे डेफिनेटली, म्हणून मला कांग्रेस वाटलं की मी कांग्रेसमध्ये सामील व्हावं आणि काहीतरी जे माझं अस्तित्व आहे त्याच्याने जर काही फरक होत पडत असेल तर मी जरूर साथ द्यायला तयार आहे आणि म्हणून मला माझी इच्छा होती पण ती इच्छा ज्या पद्धतीने ह्यांनी माझं वेलकम केलं ते माझ्यासाठी खूप मोठं आहे आणि मी डेफिनेटली देशासाठी काहीतरी करायचं आहे। यापूर्वी मनसेने तुम्हाला मदत केली होती एका सिरियलच्या वादादरम्यान, आता ते म्हणतात की पुढे जर मदत करायची गरज पडली तर आम्ही त्यात येणार। सी हे बघा, मदत केली किती केली आणि काय केली आणि मला कुठे नेऊन बसवलं, फक्त मराठी माणसाचा मुद्दा उचलला तिकडे हे सगळ्यांना माहिती आहे, म्हणजे मी एका छोट्याशा मुद्द्यासाठी गेली होती आणि तिकडे त्यांनी मनसेनी परत हेच आहे काँग्रेस कुठल्याही जाती धर्म बघत नाही पण मनसे फक्त मराठी बघतं आणि हे मला त्याला सांगायचं की त्यावेळेचे कुठलेही न्यूज घेऊन बघा, मनसेनी फक्त मराठीचा मुद्दा उचलला की शिल्पा मराठी आहे म्हणून शिल्पाशी हिंदी इंडस्ट्रीमध्ये असं झालं। मी मनसेला तेच सांगितलं होतं की मराठीचा मुद्दा इथे नाहीच आहे, आज मी महाराष्ट्रामध्ये आहे पण मी फक्त मराठी लोकांसाठीच आणि ह्या लोकांसाठीच हा जाती धर्म आय थिंक काँग्रेसनेच कधी केलेला नाहीये। ठीक है, ज्यादा इस विवाद में ना कीजिए। निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक आहात का? अमिताभ बच्चन को भी करेंगे कैंपेन करने के लिए फ्यूचर में, बिकॉज इज वेरी क्लोज टू कांग्रेस अमिताभ बच्चन। ये तो अमिताभ बच्चन जी को तय करना है कि ऐसे माहौल में ऐसी परिस्थिति में वो क्या भूमिका देते हैं, लेकिन अगर गांधी परिवार के साथ उनका बहुत पुराना रिश्ता है, एकदम पारिवारिक रिश्ता है, तो दो परिवारों के बीच बेहतर रिश्ता हो ऐसा हम भी चाहेंगे, लेकिन फैसला उनको करना है। निरुपम जी, आज प्रशांत किशोर जो है मार्गदर्शन पे गए थे, आज भी मीटिंग हुई, गठबंधन को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। अगर शिवसेना चुनाव एक साथ नहीं लड़ती गठबंधन में तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि एक साथ भी चुनाव हो सकते हैं। हालांकि ऐसा है प्रशांत किशोर के बारे में नीतीश कुमार ने ये कहा था और बहुत ही मतलब बड़ा मतलब एक तरस आने वाला बयान था उनके ऊपर, हमको तरस आया था कि मैंने प्रशांत किशोर किसने लिया क्योंकि अमित शाह ने बोला था। आज जब सेना और बीजेपी के बीच विवाद चल रहा है, सुबह कुछ और शाम को कुछ समझ में आ रहा है, तब प्रशांत किशोर आए हैं। ये कोई रणनीति बनाने के लिए आए हैं या सेना बीजेपी का गठबंधन हो ये एजेंडा लेके आए हैं, ये भी कहना मुश्किल है। जो अमित शाह का आदमी है वो शिवसेना के लिए अलग से कोई रणनीति बना रहा है क्या, ये सवाल
आज से महाराष्ट्र में मुंबई में गूंजेगा। कांग्रेस तैयार है चाहे चुनाव, आपको क्या फर्क पड़ता है? ये सब हमारे आजमा है। शिवसेना को बीजेपी पे भरोसा नहीं है, एक सहयोगी को मुख्य सत्तारूढ़ दल के ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि लोकसभा में तो आप साथ में लड़ेंगे, विधानसभा में धोखा दे देंगे, इसलिए आप साथ में करिए। और ऐसा हमें सुनने को मिल रहा है कि बीजेपी सरेंडर करने के मूड में है। हम लोकसभा विधानसभा एक साथ होते हैं तो भी हम तैयार है, नहीं होते तो भी हम तैयार। हम थोड़ा दूर से निकल जाएंगे, नहीं आइए।